को दिखा रहा हूँ यहाँ पे, देखिए हरिद्वार के अंदर दिवाली के अवसर पर जो बाजार है बिल्कुल सज चुका है। मैं यहाँ पर जो है वो अपर रोड मार्केट पे हूँ, और जहाँ की मार्केट जो है वो बहुत सुंदर मार्केट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो माला जो आप देख रहे हो सजावट के लिए आपको सुंदर सुंदर मालाएँ यहाँ पे नज़र आएंगी। बहुत ही सुंदर मालाओं का बाज़ार है यहाँ पे, और सुंदर बाज़ार जो है आप यहाँ पे देख रहे हो। आपको अलग अलग प्रकार की जो मालाएं हैं वो आपको मिलने वाली है यहाँ पर। सुंदर मोतियों की माला, रुद्रक्ष की माला, फूलों की माला यहाँ पर हर प्रकार से आपको मिल जाएंगी। तो अपर रोड मार्केट के ऊपर जो है वो मालाओं का बाज़ार सज चुका है। दिवाली का जो त्यौहार है इसके लिए जो है वो अपर रोड मार्केट पर जो है वो माला ही माला आपको नज़र आएगी। तो यहाँ पर एक शॉप है, तो बहुत ही सुंदर जो है वो यहाँ पे मालाएं आपको नज़र आएंगी। और यहाँ पर बगल में 3-4 शॉप ऐसी हैं जिन पे सारी जो है वो माला ही माला आपको नज़र आएगी। तो बहुत ही सस्ते रेट के अंदर यहाँ पे जो है वो मालाएं मिल रही हैं। बहुत ही सुंदर मालाएं हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो कि ये कुछ यूनिक ही आइटम है। और ऐसी जो मालाएं हैं आपको जो है वो अदर बाज़ार में कहीं और मिलने वाली नहीं है। तो सुंदर मालाओं का बाज़ार आप यहाँ पे देख सकते हो। बहुत ही सुंदर यहाँ पे जो है वो सजावट के लिए मालाएं आप यहाँ पे ख़रीद सकते हो। और ये जो माला की जो शॉप है वो अपर मार्केट जो है वहाँ पे है, और अपर रोड मार्केट जो है वहाँ पर आपको मालाओं की शॉप मिल जाएगी। तो बहुत ही सुंदर मार्केट यहाँ पे लगा हुआ मालाओं का। तो यहाँ पर 4-5 शॉप ऐसी हैं जहाँ पर मालाएं ही मालाएं आपको नज़र आएंगी। बहुत सुंदर सुंदर मोतियों की माला, फूलों की माला, यहाँ पर आर्टिफिशियल मालाएं हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये रुद्रक्ष जड़ित माला है यहाँ पे, और यहाँ पर जो है वो इसके अंदर रुद्रक्ष जो है वो लगे हुए हैं। तो रुद्रक्ष वाली मालाएं आप देख रहे हो यहाँ पे जी बैठे हुए हैं, और मालाएं यहाँ पे जो है वो बहुत सुंदर मिल रही हैं यहाँ पे। ये मालाएं आप अपने घर पे ले जा सकते हो, शॉपिंग कर सकते हैं आप यहाँ पे, और सुंदर मालाएं आपको यहाँ पे मिलेंगी। रत्न जड़ित मालाएं आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है। आप यहाँ पे जो है वो मोतियों की मालाएं आपको मैं दिखाता हूँ। ये फूलों की मालाएं आ गई हैं जो कि ऊन का जो धागा होता है उससे बनाया गया है, जिससे कपड़े बनते हैं, स्वेटर वगैरह उन धागों से बनी हुई मालाएं आप देख सकते हो यहाँ पर। ये इधर आपको मोतियों की मालाएं मिल जाएंगी। मोतियों की माला बहुत सुंदर लग रही है, और आप देख सकते हो मोतियों की मालाएं। तो यहाँ पर घर के अंदर आप सजावट करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि ये शंख जड़ित जो घरों में लटकाने के लिए जो छत्र होते हैं वो यहाँ पर मिल रहे हैं। देखिए कितना यूनिक यहाँ पे जो है आइटम है। और यहाँ पे जो है वो ये सीप लगे हुए हैं, छोटे छोटे शंख लगे हुए हैं यहाँ पे। बहुत ही सुंदर है ये शंख जड़ित मालाएं आप यहाँ पे देख रहे हो, जो कि आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। जो अपर मार्केट है हरिद्वार के अंदर वहाँ पर आपको मिलने वाली है। यहाँ से देखिए कितना सुंदर व्यू नज़र आ रहा है यहाँ पर, बहुत ही सुंदर नज़र आ रहा है यहाँ पर। इस प्रकार से अगर देखेंगे तो बहुत ही सुंदर आपको नज़र आएगा। यहाँ पे शंख की मालाएं आपको नज़र आएंगी, अलग अलग सीप की मालाएं आपको यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मालाएं हैं, इनको जो है वो तरण बोलते हैं गेट के लटकाने के लिए। बहुत ही सुंदर और बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट यहाँ पे आपको मिलेगा हरिद्वार के अंदर। ऐसी यूनिक आइटम आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। देखिए बहुत ही सुंदर मालाओं की जो दुकान है आपको यहाँ पे नज़र आएगी अपर मार्केट हरिद्वार के अंदर। बहुत ही सुंदर यहाँ पे बहुत ही सुंदर मालाएं आप देख रहे हैं, दिवाली के लिए आप जो है वो सजावट के लिए यहाँ पे खरीद सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो है वो हस्तमेड जो है वो आपको बैग मिलने वाले हैं। देखिए इतने सुंदर यहाँ पे जो है वो बैग आपको नज़र आ रहे हैं।
और यहाँ पर जो है वो छोटे छोटे बैग और भी यहाँ पे मिल रहे हैं, बहुत ही सुंदर। और ये जो है वो कुछ यूनिक ही आइटम है यहाँ पे और बहुत ही सुंदर नज़र आ रहा है। बैग के ऊपर लिखा हुआ है श्री कृष्ण। तो दोस्तों आप यहां पे देख रहे हो कि केदारनाथ धाम का जो मंदिर है उसका यहां पर भी जो है वो एक छोटा आपको स्वरूप यहां पे नज़र आ रहा होगा, तो यहां पे आपको मिल जाएगा। तो बहुत ही यहां पे सही दाम के अंदर आपको यहां पे एक आइटम मिलेगा, ये श्री केदारनाथ धाम। देखिए यहां पे लिखा हुआ है श्री केदारनाथ धाम, और यहाँ से आपको छोटा और बड़ा मंदिर जो है आपको मिल जाएगा। बहुत ही यूनिक आइटम है ये, यहाँ पर आपको श्री केदारनाथ धाम का जो है वो स्वरूप यहाँ पे जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पर आप छोटा और बड़ा दोनों ही प्रकार का आपको यहाँ पे जो है वो स्वरूप मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो है वो रंग बिरंगी वॉच मिल जाएंगी, और बहुत ही सुंदर यहाँ पे जो है वो दृश्य नज़र आ रहा है। वो यहाँ पे देखिए कितने यूनिक वॉच आपको नज़र आ रही होंगी, और यहाँ पर आपको गूगल्स मिल सकते हैं। धूप के अंदर आप अगर जाते हैं तो आपको गूगल से यहाँ पे जो है वो मिल जाएंगे।